गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ क्लास 6 के चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके पहले के क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी उनमें कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। जी हाँ, हमें ये बताना है कि जो नंबर है 25110 वो 45 की टेबल पे जाता है या नहीं जाता। ठीक है, तो 45 के टेबल पे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ। जैसे तो पहली बात सुनो, अगर हम 9 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 का कितना होता है 45 होता है ना, तो हम क्या चेक करेंगे कि ऐसे लिखेंगे 9 × 5 इज इक्वल टू 45। 9 × 5 कितना होता है 45। ठीक है, तो चलो हम चेक करते हैं कि 9 और 5 जो है वो कोप्राइम है या नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। 9 के फैक्टर क्या है 1 3, उसके बाद 9 खुद। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे 5 के फैक्टर्स क्या है 1 और 5। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या निकलेगा, कॉमन फैक्टर क्या है इनमें 1। अब इनमें अगर कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो अभी हमें क्या करना है, ये क्या हो गए, कोप्राइम हो गए। हम क्या लिखेंगे कि सिंस 9 और 5 आर कोप्राइम, जो 9 और 5 है वो क्या है, कोप्राइम है। सो इसलिए हमें क्या करना है, अभी इस नंबर को चेक करना है कि नंबर 9 और 5 दोनों टेबल्स पे जाते हैं। पहले हम देखो, अभी हम क्या लिखते हैं कि सिंस 25110, ठीक है, ये नंबर है, इज डिविजिबल बाय 5। ये 5 के साथ डिविजिबल है, मतलब कि ये 5 के टेबल पे जाता है। क्यों जाता है ये 5 के टेबल पे, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 0 है। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 होगा तो 5 के टेबल पे पक्का जाएगा ना, इसका मतलब ये नंबर 5 के टेबल पे चला गया। अभी हम क्या चेक करेंगे कि ये नंबर जो है वो 9 के टेबल पे जाता है या नहीं जाता। चलो 5 + 2 = 7 + 1 = 8 + 1 = 9, ये कितना आ गया 9। इन सबको प्लस करके 9 था, इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर है वो 9 के टेबल पे भी चला गया, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। कि ये नंबर जो है वो 9 के टेबल पे भी चला गया, इसका मतलब कि ये नंबर 45 के टेबल पे भी जाएगा। सो 25110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। जो ये हम करते हैं ना कि इसको 9 और 5 के टेबल्स पे चेक कर लेना, ये हम सिर्फ कब करेंगे, अगर ये नंबर्स कोप्राइम होंगे। ठीक है, जैसे 9 और 5 कोप्राइम थे ना, तो ये मेथड एप्लीकेबल है, तो हम ये चेक कर सकते हैं कि नंबर 9 पे भी गया, 5 पे भी गया, तो 45 पे भी जाएगा। अगर हमारे पास कोई दूसरे नंबर आ जाए जो नंबर्स कोप्राइम नहीं है, तो उनके ऊपर ये मेथड अप्लाई नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही मेथड अप्लाई ना होने वाला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हम उस पर चेक करते हैं। देखो वो क्या है कि 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 और 3, जो 18 है वो 2 और 3 दोनों टेबल्स पे जाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो ये नंबर क्या है अभी 6 के टेबल पे भी जाता है। सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 4 और 6, कहते उसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर हो जो 4 और 6 दोनों टेबल्स पे जाता है, then can we say that the number is also divisible by 4 × 6 = 24, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो नंबर 24 के टेबल पे भी जाएगा, नो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये देखो पहले हम लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ 4 के सारे फैक्टर्स लिखो क्या होंगे 1 2 4, ऐसे हम क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर्स क्या होंगे 1 2 3 और 6, और इनमें फिर कॉमन फैक्टर को मैं CF लिख रही हूँ, कॉमन फैक्टर क्या आएंगे 1 और 2, कॉमन फैक्टर 1 और 2 आ गए ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 और 6 आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है, ये नंबर्स कोप्राइम नहीं है, इसलिए क्या वो मेथड अप्लाई नहीं होगा। कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों टेबल्स पे जा रहा है तो वो 24 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए एग्जांपल
लेके देखो, जैसे कि एक नंबर ले लेते हैं हम 12, 12 इज डिविजिबल बाय बोथ 4 एंड 6, जो 12 है वो 4 एंड 6 दोनों टेबल्स पे जाता है ना, बट नॉट बाय 24, पर वो 24 के टेबल पे नहीं जाता। इसका मतलब ये कि ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नंबर 4 और 6 दोनों टेबल्स पे जा रहा है तो वो 24 पे भी पक्का जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। वो बोल रहा है मैं एक सबसे छोटा नंबर हूँ जिसके क्या है डिफरेंट क्या है प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। कैन यू फाइंड मी, हमें बताना है कि वो नंबर कौन सा होगा। ये बताने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। हम लिखेंगे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स कौन से हैं? पहला प्राइम नंबर क्या होता है, 2, उसके बाद 3, देन 4, नहीं 4 नहीं है, 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7। ये क्या है हमारे फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अभी हमें क्या करनी है, इसकी प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि उसने क्या बोला था कि मेरे पास डिफरेंट फैक्टर्स है, फैक्टर्स हमने ढूंढ लिए कि ये वाले होंगे, ठीक है। तो अभी वो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा 210। तो ये 210 एक ऐसा नंबर है ऐसा नंबर है जिस नंबर के पास 4 डिफरेंट और सबसे छोटे प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। इसके साथ ही बच्चा आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। होप आपको एक्सरसाइज समझ आ गई होगी, बट अगर फिर भी एक्सरसाइज में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।